हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज के इस वीडियो में हम लोग लेटर राइटिंग सीखेंगे। तो लेटर राइटिंग होता क्या है? लेटर राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश राइटिंग स्किल सेक्शन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। लेटर राइटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है जब आपके इंग्लिश के एग्जाम होता है, और उसमें राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग किसी भी फॉर्म में आता ही आता है। Everyone must know how to write a letter. सभी को लेटर राइटिंग तो बिल्कुल ही आनी चाहिए। While writing a letter, one has to follow the format for letter writing. लेटर लिखते वक्त एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो हमें फॉलो करना होता है। A letter can be written for various reasons. लेटर बहुत सारे कारणों के लिए लिखा जाता है। आज के इस मॉडर्न दुनिया में जहाँ पे हम लोग ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, लेकिन लेटर राइटिंग पार्ट अभी भी गया नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कंस्टिट्यूट करता है ग्रामर का। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर के लिए आप पीछे के वीडियोस जो मैंने पहले बनाए हैं वो देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है? अ लेटर रिटन इन अ फॉर्मल पर्पस इज कॉल्ड अ फॉर्मल लेटर। इट एड्रेसेस अ सीरियस इशू। वो लेटर जो हम लोग बिल्कुल फॉर्मल पर्पस के लिए लिखते हैं, और ये बहुत ही सीरियस इशू को बताता है। सीरियस इशू यानी कि कोई टू द पॉइंट ही बात करना है। फॉर्मल लेटर हम लिखते किसे हैं? फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को। आप बच्चे हैं तो आप अपने स्कूल के हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस को लिखिएगा। कॉलेज में आप हैं तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखिएगा। ये लेटर्स जो हम लोग लिखते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिखना है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सारे हमारे फॉर्मल लेटर के एग्जाम्पल हो गए। इसको लिखने का बहुत ही प्रॉपर तरीका होता है, हमें वो तरीका फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्मल लेटर के टाइप्स कितने होते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेटर टू एडिटर, लेटर टू प्रिंसिपल, कंप्लेन लेटर, कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल गलत छप गया है, आपके रोड पे बहुत सारे पॉट होल्स हो गए हैं जिससे आप लोगों को बरसात के सीज़न में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप कंप्लेन लेटर लिखेगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। लेटर टू बैंक मैनेजर, एटीएम कार्ड नया इशू करवाना है, आप तो लेटर टू बैंक मैनेजर भी लिखने आना चाहिए। इन्विटेशन लेटर, किसी को इन्वाइट करना है अपने किसी फंक्शन में आने के लिए। लीव एप्लीकेशन, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत होता है। लीव एप्लीकेशन फॉर मैरिज, शादी में जाना है, अंकल के आंटी के शादी में जाना है, हमें छुट्टी लेनी है स्कूल से, तो हमें प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्मेट लिखना आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल इज एज फॉलोज। अब बात आती है, इसका फॉर्मेट जानते हैं और इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे तुरंत। फॉर्मेट क्या है? एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल, स्कूल का नाम और सिटी का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं। फिर लिखते हैं डेट, जिस दिन हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसी दिन का डेट डालते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुत ही कम शब्दों में लिखा जाता है और टू द पॉइंट लिखा जाता है। सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखा जाता है। अगर आपके मेल मेंबर प्रिंसिपल है तो सर लिखेंगे, फीमेल प्रिंसिपल है तो आप मैडम लिखिएगा। फिर आता है बॉडी। बॉडी दो या तीन पैराग्राफ का हो सकता है। फॉर्मल लेटर है, प्रिंसिपल को है, तो बहुत ही छोटा छोटा पैराग्राफ बनेगा, तो दो या तीन पैराग्राफ में हमारा ये बॉडी प्रिंसिपल को जब लिखते हैं तो ख़त्म होता है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आप अपना नाम लिखते हैं और अपना क्लास लिखते हैं। ऐसे फॉर्मेट बनता है प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखने का। आइए अब हम एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि हम अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव बिकॉज ऑफ फीवर। आपको बुखार आ गया है और आपको छुट्टी चाहिए, तो आप प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन दीजिए। कैसे शुरू करेंगे? द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का पी हमेशा कैपिटल होता है। पी ए एल प्रिंसिपल का स्पेलिंग होता है, पी एल ई मत लिखिएगा, ये कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं। फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लोरेसेंट पब्लिक स्कूल, उसके बाद वो जिस लोकेलिटी में है उस जगह का नाम और जिस शहर में है उस जगह का नाम, तो प्रताप नगर जयपुर। फिर एक लाइन छोड़ के हम लोग डेट लिखते हैं, डेट मैंने दिया है 31 अगस्त 2020।
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिल्कुल साफ साफ लिखा जाता है, सीकिंग लीव फॉर 5 डेज, मुझे 5 दिनों का लीव चाहिए। अब सैल्यूटेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद अपने बारे में बताइए, फर्स्ट पैराग्राफ में, आई राधा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 स्टडिंग इन योर स्कूल, लाइक टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं राधा हूँ, क्लास 6 में पढ़ती हूँ, आपके स्कूल में पढ़ती हूँ, मुझे फीवर है। द डॉक्टर इन आवर लोकेलिटी हैज टोल्ड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर एंड ही हैज एडवाइज मी टू टेक 5 डेज रेस्ट। डॉक्टर को मैंने दिखाया, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे वायरल फीवर है और मुझे 5 दिनों का रेस्ट लेने के लिए कहा। अब सेकेंड पैराग्राफ में आ जाएंगे, ये तो आपने अपने बारे में बता दिया, अब आप क्या चाहती हैं प्रिंसिपल से ये बताइए, क्या चाहते हैं प्रिंसिपल से ये बताइए। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज, दैट इज फ्रॉम 31 अगस्त टू 4 सेप्टेम्बर, इसीलिए मुझे 5 दिनों का रेस्ट लेने के लिए लीव दे दीजिए। कब से कब तक, 31 अगस्त से 4 सेप्टेम्बर तक। आई शैल श्योरली कोप अप विद द मिस क्लासेज एंड असाइनमेंट, जो भी मेरा क्लास में वर्क मिस हुआ है उसको मैं समय पे फिर कर लूँगी, ये एश्योरेंस दे दीजिए प्रिंसिपल को। ये लिखने से और अच्छा लगता है कि नहीं, ये बच्चा सिंसियर है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज, अब क्लोजिंग नोट डालना है तो डालेंगे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज, मुझे प्लीज़ दे दीजिए। अब हमें ख़त्म करना है एप्लीकेशन को, तो बहुत ही हम्बल वे में बोलेंगे थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली राधा, और अपना क्लास डालेंगे जो मैंने यहाँ पे 6A डाला है। लीव के लिए यहाँ जो मैंने लीव एप्लीकेशन दिया है ये बुखार के लिए दिया है, ये आपको मैरिज में जाना है अंकल आंटी के, उसमें भी हल्का सा आप चेंज करिएगा बॉडी को तो बन जाएगा। इसी तरीके से आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और वीडियो को शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए। बाय स्टूडेंट्स।